तो आज के इस वीडियो में डिस्कशन होगा राइनिया के बारे में। फॉसिल जन्ना कहा जाता है टेरिडोफाइटा का, ये ठीक है। सबसे पहले राइनिया की डिस्कवरी किसने किया है? क्रिस्टोन एंड लैंग नामक साइंटिस्ट ने 1917 ईस्वी में इसका डिस्कवरी किया था। इसके फॉसिल्स की सबसे पहले खोज अगर किसी ने किया है तो वह क्रिस्टोन और लैंग को जाता है, ठीक है। अब इस टेरिडोफाइट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने से पहले आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि कई ऐसे टेरिडोफाइटा के लेक्चर्स हैं, लगभग 5 या 6 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिनकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। साथ ही साथ जो MSc 4 सेमेस्टर के जो लेक्चर्स हैं वो भी ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। कई ऐसे लेक्चर्स हैं जो अपलोड हो चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो तुरंत फटाफट प्लेलिस्ट में जाइए और वॉच कर लीजिए। MSc सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और साथ ही साथ BSc सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर, सबके लेक्चर बारी बारी से अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद राइनिया के बाद जस्ट इसके बाद का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जन्ना है लाइकोपोडियम, वो भी जल्दी आपके सामने लेकर के मैं आऊँगा। काफ़ी लेंदी होगा वो, बहरहाल राइनिया इतना ज़्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिस्टमैटिक पोजीशन। सिस्टमैटिक पोजीशन में क्या देखेंगे? सब डिवीजन इसका हो जाएगा साइलोफाइटोप्सिडा। सब डिवीजन क्या हो जाएगा? साइलोफाइटोप्सिडा हो जाएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद ऑर्डर जो है साइलोफाइटेल्स ऑर्डर के अंतर्गत इसको रखा गया है, ठीक है। उसके बाद फैमिली हो जाएगी राइनियासी, जीनस हो जाएगा राइनिया। तो ये इसका सिस्टमैटिक पोजीशन हो जाएगा। आगे बात करेंगे, ये आपके सामने जो प्लांट दिख रहा है वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स का फर्स्ट फॉसिल है ये राइनिया, ठीक है। इसकी राइनिया की 2 स्पीसीजेज अभी तक अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ एक जीनस के अंतर्गत कितनी स्पीसीज है? 2 स्पीसीज है। पहली स्पीसीज का नाम है राइनिया मेजर और दूसरी स्पीसीज का नाम है राइनिया ग्वानी बगनाई। ये 2 स्पीसीज ही इसकी अब तक की अवेलेबल है, यानी कि अब तक की 2 ही स्पीसीज मिली हैं, ठीक है। ध्यान देगी नेक्स्ट पॉइंट में, प्रिजर्व्ड एज कंप्लीट प्लांट्स इन हार्ड सिलिशियस रॉक्स ऑफ द लोअर डिवोनियन एज। लोअर मीन्स डिवोनियन पीरियड के स्टार्टिंग में ही ये क्या हो गए थे? एक्सटेंट हो गए थे, प्रिजर्व हो गए थे पूरी तरीके से। तो मोस्टली ये दोनों स्पीसीज के नाम याद कर लीजिएगा। और रायनी नामक विलेज में इसकी डिस्कवरी किया गया था, इसके फॉसिल्स की खोज की गई थी, ठीक है, इसलिए इसका नाम रायनिया रख दिया गया। ज़्यादातर स्पीसीज या प्लांट जीनस के नाम किस बेसिस पर रखा जाता है, आपने टैक्सोनॉमी पढ़ा ही होगा तो आपको पता होना चाहिए कि किस बेसिस पर नाम रखे जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसा होता है? इसका सिंपल डाइकॉटमसली ब्रांच्ड एरियल लीफलेस सूट, यानी कि जो इसका सूट होता है लीफलेस होता है, मीन्स इसमें लीफ नहीं पाई जाती है, ठीक है, सूट में लीफ नहीं पाई जाती है। उसके बाद द एरियल सूट ऑफ राइनिया मेजर वर अबाउट 50 सेंटीमीटर, यानी कि जो राइनिया मेजर है वो क्या है? लॉन्गेस्ट है, हाइएस्ट है, ठीक है, और इसका जो डायमीटर है 1.5 to 6 millimeter इन डायमीटर। डायमीटर में देखा जाए तो 1.5 to 6 millimeter डायमीटर में पाया जाता है। और इसकी लंबाई जो होती है 50 सेंटीमीटर की होती है, किसकी? राइनिया मेजर की। अब दूसरा जो हो जाएगा राइनिया ग्वानी बगनाई। राइनिया ग्वानी बगनाई जो होता है इसका जो लंबाई है हाइट 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत छोटा है इसकी अपेक्षा, एंड 1 to 3 millimeter इन डायमीटर। डायमीटर में भी देखिए कम है, 1 to 3 millimeter डायमीटर में पाया जाता है, ठीक है। अब आपके सामने 2 जीनस यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिएगा, ये हो गया, काफ़ी लंबा है, इसकी हाइट ज़्यादा है, और ये कौन सा है देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है राइनिया मेजर, ए नंबर वाला जो है वो राइनिया मेजर का है, काफ़ी लॉन्गेस्ट है। और दूसरा वाला जो आपके सामने दिख रहा है राइनिया ग्वानी बगनाई है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है। इसमें ये जो सामने आपके दिख रहा है लीफ नहीं है बल्कि एडवेंटिटियस ब्रांचेज हैं तमाम प्रकार के, यानी सूट पे उसके एडवेंटिटियस वेरियस ब्रांचेज दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा द एरियल ब्रांचेज। ये जो एरियल ब्रांचेज है एंड इन टैपरिंग वेजिटेटिव एपिसेस में क्या करता है? कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को कहेंगे बॉर्न पियर शेप्ड टर्मिनल स्पोरेंजिया। पियर शेप का टर्मिनल पोर्शन पे क्या पाया जाता है? स्पोरेंजिया पाया जाता है, स्पोरेंजिया, ठीक है।
अब ये देखिए, तो इसके ऊपरी पोर्शन पे देखिए, ये स्पोरेंजिया है, सब स्पोरेंजिया बॉन्ड कर रहे हैं टॉप पोर्शन पे, टर्मिनल रीजन पे पाए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, तो दोस्तों अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, बाय स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है। और ऑल स्पोर्स, सभी स्पोर्स कैसे होते हैं, वर सेम टाइप होमोस्पोरस होते हैं, यानी कि इस जीनस में भी जो स्पोरेंजिया है वो होमोस्पोरस टाइप के होते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी आगे चल के आएगा सिलेजिनेला आ जाएगा, तो और मार्सिलिया आ जाएगा, सब हेट्रोस्पोरस है, ये बहरहाल होमोस्पोरस है। द स्पोरेंजिया ऑफ राइनिया मेजर वर अप्रॉक्सीमेटली 12 मिलीमीटर, इसका स्पोरेंजिया होता है उसकी लंबाई राइनिया मेजर का कितना होता है, 12 मिलीमीटर की होती है, एंड अप टू 4 मिलीमीटर इन ब्रिथ लंबाई, और चौड़ाई की बात करें ब्रिथ में तो 4 मिलीमीटर और लंबाई में 12 मिलीमीटर होता है, ठीक है, हाइट इसकी। एंड दो जॉब राइनिया गुआनी बगनाई में क्या होता है, स्मॉल होता है अदर देन राइनिया मेजर। तो ये हो जाएगा स्पोरेंजिया की बात करेंगे, होमोस्पोरस है मतलब सभी स्पोर्स एक जैसे दिखा देते हैं, ठीक है। अब ये आपके सामने स्पोरेंजिया दिख रहा है, ठीक है, ये स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर, इसके अंदर देखिए तमाम स्पोर्स हैं, और जो स्पोर हैं वो टेट्राहेड्रल पार्ट में पाए जाते हैं, कुछ इस तरीके की बनावट होती है, स्पोरेंजिया की बनावट हो गई। और इसके बाद ये जो आपके सामने दिख रहा है स्पोर की बनावट है, ये स्पोर की बनावट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा ईच स्पोरेंजियम वाज सराउंडेड बाय ए मल्टी लेयर जैकेट, हर एक स्पोरेंजिया क्या करती है, घिरी होती है मल्टी लेयर जैकेट से, ठीक है। अब ये देखिए आपको दिखा दे रहे हैं, ये जो बाहर की लेयर दिख रही है, ये जो बाहर की लेयर आपको दिख रही है ये जैकेट लेयर कहलाती है, ये जैकेट लेयर कहलाती है, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा द आउटर वॉल ऑफ द जैकेट वाज कंपोज्ड ऑफ हैवली क्यूटिकुलराइज्ड थिक वॉल सेल, थिक वॉल सेल से ये घिरी होती है, मोटी थिक लेयर से घिरी होती है, ठीक है। अब स्पोर्स की बात करें तो स्पोर कैसे बनता है, पहले टेट्राड के रूप में ऐसे बनता है, उसके बाद जब इससे सेपरेट होगा तब तो इस तरीके से हैप्लॉयड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यही स्पोर आगे चल के जर्मिनेट करेगा और गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, देन वहाँ पर बनेंगे 6 ऑर्गन। लेकिन बहरहाल ये क्योंकि फॉसिल है तो इसका कोई अभी तक एग्जैक्ट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लिविंग जेंडा इसका कोई नहीं पाया जाता, दो ही स्पीसीज है, एक जीनस है, तो जैसे बात इसमें कोई स्पीसीज ऐसा नहीं है जो कि लिविंग फॉर्म में पाया जाए, सब एक्सटेंट फॉर्म में है, ठीक है, सबके अवशेष ही मिले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आई होप कि आप सब अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और तुरंत फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर के डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये आपके कंपटीशन लेवल में भी और आपके रिटन एग्जाम में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जीनास। धन्यवाद।